हाय एवरीवन, तो सोचा कि हमेशा सिर्फ दिखाती ही हूँ तो आज खा भी लेती हूँ। ऐसे तो खाती ही हूँ सारा कुछ, लेकिन सोचा कि आज खाते वक्त आपको भी बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही मज़े की ये वाली क्लास है। तो ये हमने पाउडर्स बनाए और इन पाउडर्स से हमने ग्रेवी बनाई। तो अब मैं ग्रेवी आपको एक एक करके बताती हूँ। तो रोटी मैंने रख ली है, थोड़ा सा कैमरा नीचे और ओके, तो इसी में झुक जाती हूँ और झुकू ना, मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन मुझे झुकना ही पड़ेगा वरना ग्रेवी दिखेगी नहीं, है ना। तो ये रोटियां रेडी है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगी हमारा चिकन कढ़ाई, जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, चिकन कढ़ाई मेरा बहुत, मतलब चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, कढ़ाई ग्रेवी इज़ माई फेवरेट। यस, प्लेट्स भी हैं मेरे पास, तो मैं थोड़ी सी निकालूंगी ग्रेवी, क्योंकि सारी मुझे टेस्ट करनी है। कहाँ दिख रही है, इधर दिख रही है तुमको? ओके, सो यस, आई लव कैप्सिकम, तो मुझे कैप्सिकम भी बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा ही निकालती हूँ ग्रेवी, इसी में रख देती हूँ स्पून। तो मैं खा कर बता रही हूँ सिर्फ, फूड रिव्यू। बहुत ही यम्मी, बहुत सुपर 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 टेस्टी। ये थोड़ी येलोइश ग्रेवी है, चिकन का, कैप्सिकम का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। आधी रोटी मैं इसी से खा ली, क्योंकि ये मेरी फेवरेट ग्रेवी है। 5 मिनट में रेडी हो जाती है, बस आपको चिकन इसमें डालना है। ग्रेवी को तो टाइम ही नहीं लगता, हमको ना काटने पीटने की कुछ ज़रूरत नहीं है, फटाफट ग्रेवी बन जाती है। तो अगर आप ऑफिस गोइंग है, अब इसे रख देती हूँ, इसे मैं बाद में खाऊंगी। अब मैं सिल्की ग्रेवी, कौन सी सिल्की ग्रेवी? हमारी बटर चिकन, जो एकदम मुलायम, मुंह में घुल जाए वाली ग्रेवी। इसे एक ही पीस लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है बटर चिकन। बटर चिकन का ऐसा होता है, बच्चे बूढ़े सभी खा लेते हैं। अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं हम के, चलो एक ही ग्रेवी मंगानी है, और बड़े भी हैं साथ में और छोटे भी हैं, तो आप बटर चिकन, या मैंने चिकन का पीस ले लिया। सुपर, एकदम क्रीमी क्रीमी ग्रेवी इसकी, बटर चिकन की ग्रेवी ना मैं सिर्फ ऐसे भी खा लेती हूँ, रोटी की ज़रूरत नहीं है मुझे। दिस इज इतनी टेस्टी, सुपर। ये चश्मे, ये प्लेट रख देती हूँ, दूसरी प्लेट लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं वाइट ग्रेवी डालने वाली हूँ। वाइट ग्रेवी फलक ने बोल के रखा है, मम्मा ये मैं सिर्फ खाऊंगी, ये वाली मैं ज़रूर खाऊंगी, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगी। उसका मतलब था कि इसे किसी को भी नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। वाइट ग्रेवी फलक को बहुत पसंद है, ऐसी वाइट चिकन ग्रेवी। फलकू एक छोटा सा पीस लू क्या? आउच, चिकन तोड़ने जा रही हूँ तो वो बड़ा बड़ा पीस है, छोटा पीस नहीं डाला इसमें, तो मैं सिर्फ ग्रेवी ले लेती हूँ। तो ये वाइट चिकन ग्रेवी है। बहुत ही यम्मी, काली मिर्च चिकन है ये, सुपर सुपर। प्लेट में छोड़ेगा नहीं साला। अपना एक बहुत ही मुलायम, बहुत ही रिच फ्लेवर है, बहुत गजब का, बहुत गजब का। अब उसके बाद जो फलक ने कहा, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि भाई मैं जो भी बनाऊं वो मेरी बेटी को पसंद आना चाहिए। वो 1 मिनट, अगर हम कुछ बनाते हैं,
एज ए मदर हम हमेशा सोचते हैं कि भाई मेरे बच्चे को पसंद आ रही है चीज, देन आई विल मेक, या फिर अभी आपके बच्चे नहीं हुए हैं तो आपके हस्बैंड को जो पसंद आता है या फिर आपको जो पसंद आता है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, वो भी उतना ही मायने रखता है. अभी मैं एवरी डे वाली ग्रेवी लेती हूँ, एवरी डे वाली ग्रेवी, लाइक फिलिप वाज लाइक वाओ मम्मी दिस ग्रेवी इज सो अमेजिंग. तो ये हमारी एवरी डे वाली ग्रेवी है जो ज्यादातर आप ढाबे वगैरह में खाते हैं, जैसे चिकन ग्रेवी दे दो भैया, क्या लू मैडम, चिकन ग्रेवी और राइस दे दो, तो दिस इज दैट ग्रेवी. एवरी डे का सालन अपना, बस पानी डालो और रेडी. क्या मीन, इसके साथ नींबू और प्याज कचुंबर. अभी राइस के साथ नहीं खा रही हूँ, बाद में खाऊंगी राइस के साथ ऑफ, इस बार रोटी से खा के दिखा रही हूँ. बचपन से हम लोग जो सालन खाते आए हैं, दिस इज दैट सालन बट रेडी इन 5 मिनट्स. आप ऑफकोर्स इसको चिकन मटन खरगोश तीतर बटेर किसी के भी साथ बना सकते हो. और अब लास्ट बारी किसकी, चिकन अंगारा की. थोड़ा सा चिकन ले ही लेती हूँ. क्योंकि वो वीडियो में डालती रहती है तो मैं बड़े बड़े पीसेस नहीं खाती ना, ऐसे दिखाना पड़ता है पहले, पर अभी मैं खाऊंगी. मुझे लग रहा है मैं भिवंडी के ढाबे में हूँ. कभी गया भिवंडी हाईवे के ढाबे में? भाई मेरे कजिन्स बहुत जाते हैं, तो अब मुझे जाने की और भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं सब कुछ यहीं पर बना रही हूँ, तो मैं इसे एक पूरा खा लूँगी. मैंने इसे तोड़ा है ना, तो ये मेरा लंच हो गया. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के मैं अपना ये मस्त चिकन खाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में. अभी मैंने सिर्फ 5 बनाए हैं, पाउडर्स सारे रेडी कर दिए, अब वो पाउडर को बस पानी में घोलना है, ग्रेवी बनानी है और खाना है, तो बाकी कल बनाऊंगी. इसमें से आधी मम्मी को भेजूंगी, मेरी मम्मी अकेले रहते हैं तो बनाते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, वो भी बस ऐसे ही गर्म करेंगे खाएंगे. तो इसमें से कुछ मम्मी को भेजूंगी और बाकी सब खा जाऊंगी. बहुत यमी बनी है, तो जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया आइए खाने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि मैं अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ खा लूंगी. आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़, बाय. This is so good. इसको चम्मच चम्मच से नहीं खाते, इसको हाथ से ही खाते. हड्डी तुम भी अपना रेसिपी बनाओ और खाओ. मैं अभी तक गए नहीं, जाओ मुझे कॉल कर लो 9892731856 पर क्लास ले लो.
बनाओ और खाओ।